हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का 4.2 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2x² + x - 6 = 0। अब इसमें हमको देखना है गुणनखंड विधि से हल करना। 6 को x गुणांक के साथ गुणा करेंगे। x गुणांक क्या है? 2 है। 6 को 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 12। अब 12 को एलसीएम करेंगे। यहाँ 2 × 2 = 4 = 12 आ जा रहा है। अब यहाँ हमको जोड़ घटाव करके x लाना है और गुणा करके 12 लाना है। तो जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ 4 है, 4 में यदि 3 जोड़ देते तो जाता है 7, और 4 में 3 घटा देंगे तो हो जाएगा वही। तो 4 में 3 घटाना पड़ेगा, हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब इसमें हमको कॉमन लेना है। कॉमन किसको लेंगे देखते हैं। तोड़ के 2x × x, 2 × x × x, 2x² हो गया। उसके बाद 4 × x, इसमें कॉमन कौन आए, इसको भी तोड़ना है। 2 × 2 × x, इसको भी तोड़ दिए। 2 × 2 = 4 × x = 4x। तो इसमें कॉमन कौन आता है? यहाँ 2 एक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो 2x कॉमन आ गया, 2x को कॉमन लेनी है। उसके बाद और एक x बच गया यहाँ 2x² में, तो x को अंदर ले लिए। प्लस यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 को 2x से गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा। माइनस यहाँ अब इसको तोड़ते हैं, 3 × x - 3 × 2। 3 को x से गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6, 6 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा 3, एक एक्स अंदर रह जाएगा। प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा = 0। अब जो बाहर में है उसको एक बार लिखेंगे 2x - 3, और जो अंदर में है उसको एक बार लिखेंगे x + 2 = 0। अब 2x - 3 = 0, आ जाएगा 2x = इधर माइनस में 3 है, इधर आके प्लस में 3 हो जाएगा। x = 3/2, और यहाँ x + 2 है, x + 2 = 0, x = -2। अतः इस द्विघात समीकरण का मूल 3/2 और -2 है, और -2 है, यही आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए।